नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर्षण द्वारा हम इसी आवेश को किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आवेश है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, और ये बताया था वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखिए, हम जो अब बात करेंगे वो है कि जो हमारे पास आवेश है, आवेश को हम दो टाइप से प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक है घर्षण द्वारा एक है प्रेरण द्वारा। फर्स्ट टाइप है फ्रिक्शन द्वारा और सेकेंड है इंड्यूस इंडक्शन द्वारा। अब देखिए, इस तरह हम चार्ज जो घर्षण द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न करना। इसका जो क्वेश्चन है वो आता है कि अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो देखते हैं। ये तो टॉपिक हो गया कि इस तरह हम आवेश को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अब तो इसका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो एक मोस्ट है। तो इसका क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह पूछेगा आपको, यदि पूछता तो वो पूछेगा कि घर्षण विद्युत का कारण क्या है, या इसका स्पष्टीकरण बोल सकता है, या इसको कह सकता है कि एक्सप्लेन करो या स्पष्टीकरण लिखिए या करिए। तो इस तरह वो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है घर्षण विद्युत का क्या कारण है, और या इसका जो स्पष्टीकरण है वो लिखिए। तो अब देखिए हम किस तरह इसको लिखेंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चालक होते हैं, कुछ कुचालक होते हैं, और एक जो थर्ड टाइप के होते हैं वो होते हैं अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो जब हम दो कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, हमारे पास मान लीजिए ये कोई दो कुचालक पदार्थ हैं, ये हैं दो कुचालक पदार्थ, और इनको हम आपस में ऐसे रगड़ते हैं। जब दो कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कहलाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो कहलाता है नेगेटिव। तो यहाँ पर जो प्लेट इलेक्ट्रॉन खो रही है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन पा रही है, जो प्लेट नहीं जो पदार्थ है कुचालक पदार्थ है उनको रगड़ रहे हैं, तो जो पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन खो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या प्राप्त कर रहा है वो ऋणावेशित हो जाएगा। अब देखिए इसका जो स्पष्टीकरण है वो हम किस तरह देखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन ही मोस्ट है। तो देखिए देखिए किस तरह हम इसको लिखेंगे। तो जब दो कुचालक पदार्थों, हमारे पास दो कुचालक पदार्थ हैं, उन पदार्थों को आपस यानी कि एक दूसरे से आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण, तो उनके मध्य फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हम जब रगड़ रहे हैं उनके तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो तो होगा ना, तो घर्षण से जब फ्रिक्शन होगा तो उनके मध्य एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा के कारण, क्योंकि वहाँ पर जब हम रगड़ रहे हैं दो पदार्थ को रगड़ा जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उत्पन्न ऊर्जा के कारण। इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलकर पहले इसको लिख देते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं, निकलकर दूसरे पदार्थ में प्रवेश करते हैं, जिससे जो एक पदार्थ हो उसमें तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी, वह जो दूसरा पदार्थ है
दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी कि उनकी संख्या अधिकता अधिक हो जाती है, अधिकता हो जाती है। अब देखिए आगे क्या, तो जो पदार्थ, उसके बाद जो पदार्थ हमारे पास, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, खोता है, वह है धनावेशित, धनावेशित वह जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण, एक तो डोनर होता है एक रिसीवर होता है, तो जो डोनेट किया है वो तो धनावेशित, और जिसने रिसीव किया है वो कहलाता है ऋणावेशित, तथा तो जो इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ इसके आप यहाँ लिख सकते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेशित हो जाता है, पता है। तो अब देखिए इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि घर्षण विद्युत का क्या कारण है, कि घर्षण के कारण क्यों आवेश है वो इंड्यूस प्रोड्यूस हुआ, तो घर्षण विद्युत, विद्युत विद्युत नहीं, ये विद्युत है, विद्युत में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण इन्वर्टेड को हम बंद कर सकते हैं, विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं किस तरह ये होता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आप घर्षण विद्युत का जो कारण है या जो इसका स्पष्टीकरण है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आप देखिए हमारे पास दो कुचालक पदार्थ है। अब देखिए इस तरह मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई कुचालक पदार्थ है, ये कोई दूसरा कुचालक पदार्थ है। अब इनको हम रगड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एनर्जी के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलेंगे, मान लीजिए ये कोई फर्स्ट पदार्थ है हमारे पास कुचालक और ये सेकेंड है, तो हम ऐसे इनको रगड़ते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे इलेक्ट्रॉन इससे निकले, इस पदार्थ से निकले और इसने रिसीव की, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन खो रहा है वो तो धनावेशित कहलाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो ऋणावेशित है। तो यही इसमें लिखा है, देखिए जब दो कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं और रगड़ेंगे तो आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उत्पन्न ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलेंगे। और हम जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे में जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन पदार्थ जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो रहा है या जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है टाइम के साथ, वो तो धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पिछले वाले वीडियो में देखा था कि पदार्थ आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो जो धनावेश होता है उसमें क्या होता है कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेशित कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वो ऋणावेश है। तो जो पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन खो रहा है वो धनावेशित, और जो प्राप्त कर रहा है वो ऋणावेशित हो जाता है। अतः घर्षण विद्युत में जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत आवेश उत्पन्न की क्यों होता है, तो घर्षण से घर्षण विद्युत होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। आपने देखा कि एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो रहा है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है इधर से इधर। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होने के कारण यहाँ से जो विद्युत आवेश है वो प्रोड्यूस होता है। यही है कि हम किस तरह विद्युत घर्षण द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो होप करते हैं आपको इस वीडियो में समझ में होगा कि किस तरह हम विद्युत जो हमारे पास विद्युत आवेश है उसको उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे पास दो विधियाँ हैं, इसमें हमने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया घर्षण विद्युत। तो होप करते हैं आपको समझ में होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद।